सो आज फिर एक इजिप्ट का डिपार्चर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट करता रहता हूँ इस बात के लिए ताकि आप फीडबैक्स ले सकें, आप जान सकें कि क्या माइंडसेट है बच्चों का जो इजिप्ट जा रहे हैं, किस वजह से उनको ये कंट्री सूट करता है। तो चलिए जानते हैं कुछ बच्चों से, मैं बुलाना चाहूँगा एक एक स्टूडेंट को और उनसे बात करेंगे। जी, मैं निम्रा जावेद, मैं जा रही हूँ कायरो यूनिवर्सिटी। कहाँ से हो निम्रा? गोंडा। ओके, और आप? मेरा नाम सना खान है, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से जी। ओके, इंडियन एजुकेशन स्प्रिंग से मैंने कंसल्टेंसी करवाई थी कायरो यूनिवर्सिटी में। क्यों आपने कायरो लिया, क्या रीज़न था कायरो चुनने का? कॉलेज कायरो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है, प्लस वहाँ पे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, जैसे थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं। और आपने जो पूरा कॉलेज का सिलेक्शन किया, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं, कैसे पहुँच रहे हैं वहाँ पे? कभी किसी डॉक्टर से आपका होगा? तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बच्चे चेक करके जा रहे हैं और इस सिचुएशन में कई सारी बातें हो रही हैं, उस समय पर आपने अपने आप को किस तरीके से किया? ये देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो फैक्ट्स फिगर्स देते हैं, मैंने यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की वेबसाइट का भी आपके साथ भेजा है, बच्चों ने खुद भी कंफर्म किया है, सर उन्होंने बताया कि एक साल की एक्सटेंशन भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक साल का एक्सटेंशन होगा एग्जैक्टली, इजिप्शियन स्टूडेंट्स के लिए दो साल का कंपलसरी है, बिल्कुल सही फैक्ट है आपके सामने, एंड दे चार्ज ऑन अ मंथली बेसिस $250। जितने मंथ का आपको इंटर्नशिप करना है, जैसे एक साल का करना है, वो कंट्री टू कंट्री सब कंट्री के अपने अपने रूल्स के हिसाब से बच्चे अपना कर सकते हैं। तो आर यू हैप्पी? दैट इज सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। अगले स्टूडेंट्स है, हेलो, माय सेल्फ सुधीर एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स कायरो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू। सुधीर आप कहाँ से हो? आई एम उत्तर प्रदेश वाराणसी। उत्तर प्रदेश वाराणसी से सुधीर, आपने आपके पापा डॉक्टर हैं? तो आपके पापा डॉक्टर हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के आपके लिए ये कंट्री और कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, क्या देखा उन्होंने और आपने क्या देखा? आपने ये सारी चीज़ें वेरीफाई की किसी और सोर्सेज से या आपने हमारी बात सुन ली और मानी? हमने वैसे आपकी तो मानी, मानी आपने फुल ट्रस्ट था और हमने अलग से वेरीफाई भी किया था, बट इंटरेस्ट तो आपसे ही गेन हुआ था। थैंक यू। तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्योंकि कंटिन्यूसली सुधीर से मैं, मतलब मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और ये मुझे पहली बार मिल रहा है, क्या आपको पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी कोई कठिनाई? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, आपके पास सारी जानकारी टाइम टू टाइम पहुँच रही है, सारी जानकारी ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आइए आलियान मुंबई से हैं और आलियान से भी हम पहली बार मिल रहे हैं। आलियान, मुझे बताइए कि आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही अभी तक की और आपका ये फाइनल डिसीजन, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज भी थोड़ी सी हाई चली होगी, अभी परसेंटेज 91 आपका नीट स्कोर। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं बात कहना चाहता हूँ हमेशा, कि यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए प्लीज 75% एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए चाहिए, तो बच्चे जो है वो बिल्कुल क्वालिटी और फिल्टर होकर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप आलियान का 91% मार्क्स है, 300 अबाउ नीट स्कोर है। एक्चुअली अगर ये इंडिया के अलावा किसी दूसरे देश में होते तो शायद ये आराम से डॉक्टर बन जाते, उनके पास वो स्कॉलरशिप कैपेबिलिटीज़ तो है,
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का कॉम्पिटिशन। तो अलियान कैसी रही आपकी जर्नी यूनिसेफ के साथ? और फादर हैं आप, डॉक्टर हैं आपका, आपने मुझे याद है कि जब आप एडमिशन ले रहे थे तो आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इजिप्ट में भी आपके फ्रेंड है जो डॉक्टर है, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। तो वो इंडियन ही है डॉक्टर जो है? और क्या क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है? ये एक डाउट होता है, कई सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमारे इंडियन डॉक्टर्स वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसका ये साक्ष्य भी है, एक सबूत भी है कि एक इंडियन वहाँ पर ऑलरेडी, वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इंडियन हैं, और इनफैक्ट मिडल ईस्ट में भी इंडियन डॉक्टर्स और इजिप्शियन डॉक्टर्स दोनों की ही क्वांटिटी बहुत सारी है। तो थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ आलियान के फादर भी हैं, मैं उनका भी एक बार करना चाहता हूँ, मेरी सर्विस कैसी लगी और क्या जानकारी का भी कोई फीडबैक आप लगा? जी थैंक यू सर। तो हमारे साथ हैं सुशांत से उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, कहाँ से वो आए हैं, क्या उनकी परसेंटेज थी, क्या उनका नीड्स थी, और क्यों उन्होंने डिसाइड किया सुशांत आए? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बात में बोली, 93% वाला स्टूडेंट है, नीट स्कोर 300 प्लस है, और फिर फाइनली डिसाइड किया है। तो पेरेंट भी हमारे साथ है हिमाचल से। अब यहाँ पर एक और कॉन्टेक्स्ट आता है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं जी हमारे गांव से हमारे शहर से कोई बच्चा हो तो बताइए। देखिए वहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, पूरे इंडिया से मिला के बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं इस क्राइटेरिया के आधार पर। आप सोचिए कि किसी बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, अगर आप इंडिया के किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं और आप ये पूछिए कि मेरे गांव का कोई बच्चा मेरे साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल से बच्चा है, मुंबई से है और उत्तर प्रदेश से है। तो कैसे सेलेक्ट किया तुमने? उसमें से कहीं बाई चांस बाई लक आपका यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा देखा था इंटरेस्ट बेटर प्रोजेक्ट, देन आपको कॉन्टैक्ट किया, फिर उसके बाद फिर आपसे बात हुई, प्रोसेस चला, फिर मुझे कंसल्ट किया कि हाँ क्योंकि पहले मैं नहीं मानता था कि नो फॉरन यूनिवर्सिटी जहाँ हमें पता है यूक्रेन का क्या हुआ था एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर कन्फ्रंट किया, फिर ऐसे समझाया कि बढ़िया कॉस्ट वगैरह, फिर मेरी भी आपसे एक बात हुई, एक बार बात नहीं हुई एंड उसके बाद फिर मेट्री प्रिपेयर हुआ मैं, एंड देन उसके बाद प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। सर कैसा रहा आपका मतलब ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी लेना, आपका क्या फीडबैक रहा? एकदम बढ़िया रहा, पकड़ने से ये कटना नहीं चाहिए, बस आप कैसे रहे सर, कुछ सिर ऊपर ऐसे कैसे आना चाहिए? बात भी कम लगा, अपने बंदे ठीक है, जो भी होगा ठीक ही होगा, अभी आपने भरोसा का पूरा जो बातें ठीक ही होगा। थैंक यू सो मच ये ट्रस्ट शो करने के लिए, और ये ट्रस्ट ही हमारे लिए हमारी कमाई है जिसे हम मानते हैं। इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं डिपार्चर के लिए, स्टूडेंट्स सभी पेरेंट्स सब रेडी हैं, तो अब हम मिलाना चाहेंगे आपका ये प्लीज। आप है मुश्ताक ताहिर, मुश्ताक आपकी परसेंटेज क्या थी और आपका नीड स्कोर क्या था? ऑलमोस्ट 80% प्लस वाले स्टूडेंट हैं। अब देखिए इसका मजा क्या आता है कि जब एक बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कॉलिस्टिक लेवल के बच्चे वहाँ जाएंगे और वो वहाँ पे कम्पीट करेंगे, वहाँ पर जो बच्चे इनके साथ पढ़ने आने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो टॉप 40 या 50 स्टूडेंट होते हैं वो एम्स में जाते हैं,
वैसे ही इजिप्ट के जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं कायरो में आते हैं, उसके बाद एंशंट में आते हैं, अलेक्जेंड्रिया में आते हैं। तो ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर इजिप्ट के टॉप स्टूडेंट्स आते हैं। कम्पीट जो इनको करना है वो पूरे मिडल ईस्ट, इजिप्ट और 40 कंट्री के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना है। आपको मेंटली टफ होना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाई में कोई रिलैक्सेशन नहीं। हम आपकी हर जगह सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन एकेडमिक्स में आप ये सोचें कि भाई मेरे बच्चे को पास करा दो यूनिवर्सिटी जाके, सब नहीं हो पाएगा। वहाँ पर पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 60% पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। जो पढ़ाई करना चाहता है, सही मायने में डॉक्टर बनना चाहता है, सही मायने में एक्सपोजर चाहता है, A1 तक की मेडिकल की पढ़ाई होती, कोई इधर उधर कोई लैंग्वेज कोर्सेज ये वो कुछ नहीं, फर्स्ट डे से मेडिकल की पढ़ाई। आपको सभी तरह के बॉडी भी मिलेगी, आपको मेडिकल भी मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो हमारा यही कहना है आपसे, आप पेरेंट्स की बहुत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जा रहे हो और एक सीरियस अफेयर के लिए वहाँ जा रहे हो, प्लीज़ वहाँ पर अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ को ध्यान मत देना। अगर आप वहाँ पे ईमानदारी से 5 साल पढ़ाई कर रहे हो, मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ तुम कि आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम रख दिया जाए या इवन USMLE में आपको फाइट करना पड़े, आप फर्स्ट क्लियर कर। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, मैं अभी तहर आशा की मैं मुस्तक पहन कर आता हूँ, मैं आसाम से हूँ। मैं जब पहले से मेरा पैसा भेजूँ आपका प्रिंसिप मिलने के बारे में, उसी टाइम में मेरा बेटा विश्वास कर दिया सही है, सही है क्योंकि उसके यहाँ विश्वास है। आपका अगर दिशा मिल गया आपसे मेरा मुलाकात नहीं होगा, लेकिन अगर दिशा मिल से बात करो तो हम बहुत विश्वास करें। और जब आसाम से हमारा वहाँ पर अब्दुल रहमान आया था तो आपका साथ किया है, हमारा आसाम का गमसा गमसा है वो आपका गले में बहुत प्यार, मतलब विश्वास। इनके जो फ्रेंड हैं अनिकुल अंकवान, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और कोटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ वो हमारे साथ आए, और मैं पहली बार ऐसा महसूस किया कि जनरली कंसल्टेंट को लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो कंसल्टेंट है, लेकिन लिटरली वो आए और उन्होंने हमारा सम्मान किया, ये बहुत मेरे लिए फख्र की बात है। और उन्होंने वहाँ से हमारे लिए आसाम से एक गमछा लेके आए, उससे हमारे सम्मान किया। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं एक और स्टूडेंट से। लक्ष्य आप कलर्स हैं और आपकी परसेंटेज और नीट स्कोर क्या आपका 407 नीट स्कोर है इनका। तो यही हम चाहते हैं आपको कि आपको वहाँ सीरियरिटी सर, मैं भी अब सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप लोग वहाँ जाके खूब पढ़ाई करें और ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर।